के अवसर लेकर आया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याणी एम्स के बन जाने से उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। वो कह रही है इसकी परमिशन क्यों नहीं ली। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भू माफिया को लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है, पहले कमीशन फिर परमिशन। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, लेकिन टीएमसी की सरकार गरीबों की इस योजना को भी यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया, लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहने इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा।